गुड मॉर्निंग गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टाइम्स कोचिंग द फ्यूचर टाइम्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में नमस्ते गुड मॉर्निंग प्रेम प्रकाश जितेंद्र एक सेकेंड आप लोगों के नाम मुझे ठीक से दिख नहीं रहे हैं एक सेकेंड वेट करना एक सेकेंड गाइज पूनम नाम ठीक से दिखने नहीं ये एप्लीकेशन ना थोड़ा सा साइड में कर दो हाँ जी यस तो एम डी सुल्तान सोनू कुमार अर्जुन लाल मनीष पप्पू गुंजन राजा विकास सूरज राम दीपक अनिल मनीष मनोहर सत्यम कुमार किरण इंदु राजा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज आप सभी को चलिए उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं मस्त हैं बिंदास है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं भाई आज का हमारा सेशन एक बार से जल्दी से करके मुझे थम्स अप दे दो ये मैम वी ऑल आर रेडीन द सेशन हां जी और ये भी बता दीजिएगा कि ऑडियो एंड वीडियो सब क्लियर है ना फिर सेशन को शुरू करते हैं Yes, तो थैंक so, यू सो मच सो so, स्टार्ट करते हैं और देखो आज वाला जो सेशन रहेगा करंट अफेयर का डेली वाला जो सेशन रहता है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है आप जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वाला सेशन ले सकते हैं जिसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे डेली करंट अफेयर रहेगा आपका वीकली करंट अफेयर रहेगा मंथली भी रहेगा स्ट्राटिंग जी के एलिसिस सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलती हैं एंड फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो साइंस विद काजल मैम के नाम से मिलेगा ऑफिशियल चैनल जहां पर डेली के क्लासेस का पीडीएफ प्लस नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा एंड एस एस जेडी जो बैच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं परचेज किया है वो इसको जरूर करें यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा भाई आप लोगों को मैथ्स इंग्लिश हिंदी रीजनिंग जीएस स्पेशल एंड करंट अफेयर स्टार्टिंग जीके मैं आप लोगों को करवा रही हूँ थ्री नाइनटी का ये एस एस स्पेशल बैच टू है इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं फोर नाइनटी का बैच रहेगा इलेवेंथ स्टैंडर्ड के स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स अच्छा मैम सुनने में आया कि दस मिनट देर से आई है अभी क्लास को स्टार्ट हुई छह मिनट हुए हैं मतलब मिनट हुई है और सात बजे क्लास का टाइम होता तो मैं मिनट लेट कैसे हो गई मतलब घर की घड़ी है क्या तुम्हारी हाँ कुछ भी बताओ चलो ठीक <laughs> है एंड फ्यूचर टाइम स्कूल स्टार्ट किया रहेगा uh, आपका कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए मनोसर लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स आपके बजट में सिर्फ टू नाइन का एंड डीपी सर लेकर आए हैं 25 प्रैक्टिस सेट्स जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपका सारे टॉपिक से रिलेटेड यहां पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और ये भी आपके बजट में है सिर्फ टू नाइनटी में जियोग्राफी स्पेशल बैच बाय राज राणा सर इसमें कंप्लीट जियोग्राफी रहेगी फोर जीरो वन रुपीज का बैच रहेगा और पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है देखो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है आज अर्जुन की गाड़ी फास्ट है चलो घड़ी फास्ट है हाँ आज कुछ ज्यादा ही फास्ट है चलो ओके स्क्रीन पर दिख रहा है भारत सरकार ने किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली को लॉन्च किया है तो भाई ये तो कल ही किया गया है है ना आप सभी को अच्छे से पता है कल मोदी जी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है बताओ भाई फटाफट से क्या लॉन्च किया कल शाम को चार बजे उन्होंने लॉन्च किया जिसका अनाउंसमेंट ये पहले ही कर चुके थे सो so, क्या ताजा खबर मिली थी कल शाम को आपको कल शाम को मोदी जी ने चार बजे के करीब लॉन्च किया था ई रूपी यस क्या बात है हाँ सब अपडेट रहते हो बहुत अच्छा एक बच्चे ने पे मनी यहाँ पर आंसर किया बेटा ध्यान से सुनो अब क्वेश्चन देखो ई ई रूपी रूपी लॉन्च किया गया है अब e के बारे में जानते हैं कि मोदी जी ने इसे लॉन्च किया तो आखिर इसके अंदर है क्या और यह कब लॉन्च किया कल ही लॉन्च किया गया है तो कल कौन सी वाली तारीख थी भाई कल दो अगस्त थी ना सेकेंड ऑफ अगस्त को इसे लॉन्च किया है देखो क्या होता है पहले छोटी सी चीज समझो पहले क्या हुआ करता था आपको मान लो कि कोई भी गिफ्ट वाउचर दिया जाता था ठीक है जैसे कि आ, सूरज प्रजापति है हमारे क्लास में इनको कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर मिलता है या किसी शोरूम की तरफ से जहां पर इन्होंने कोई सामान वगैरह परचेज किया तो उनको एक गिफ्ट वाउचर दिया गया तो अब उस गिफ्ट वाउचर को रिडीम करवाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा वहां पर जाकर के इसको रिडीम कराना पड़ता है ठीक है तो इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा मोदी जी ने ये कहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं कोई भी गवर्नमेंट योजनाएं होती हैं उन योजनाओं के थ्रू अगर मान लो कोई पैसा लाभ दिया जाता है किसी भी लाभार्थी को ठीक है जैसे कि भाई आपकी आयुष्मान भारत योजना आ गई जिसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस तो और कुछ पैसा लोगों को हेल्प के तौर पर दिया जा रहा था तो वो जो पैसा दिया जा रहा है ना वो आपका किस फॉर्म में दिया जाएगा ई वाउचर के फॉर्म में दिया जाएगा ई वाउचर इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक वाउचर रहेगा वो इस ई वाउचर की कैसे मिलेगा आपको इसमें एक कोड मिलेगा आपको क्यूआर कोड जैसे क्यूआर कोड नहीं होता जैसे कि आप मान लो पेटीएम वगैरह यूज करते हो फोन पे भीम पे ये सब यूज करते हो तो एक क्यू कोड मिलता है जिसको स्कैन करके आप पेमेंट करते हो तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक क्यू कोड दिया जाएगा प्लस एक वन टाइम पासवर्ड दिया जाएगा ओ दिया जाएगा ये आप किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते हो करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे आप शेयर जो क्यूआर कोड और ये ओटीपी मिलेगा आपको तो होगा क्या यहां से आप अपने आप यहीं से रिडीम कर सकते हो जो भी आपको ई वाउचर मिलता है ठीक है किसी भी योजना के तहत जो भी पैसा मिलेगा वो आप खुद से ही रिडीम कर सकते हो उसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये क्या है आपका ई रूपी है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में कर दिया गया है सारी चीजें भाई ठीक है अब आप कहोगे कि मैम इसके तहत कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है कितना पैसा भेजा जा सकता है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर दस हजार रुपए दस हजार रुपए तक जो है यहाँ पर इसके तहत ई वाउचर के फॉर्म में भेजा जा सकता है तो इतनी चीजें किस किस को क्लियर नहीं है ये बताओ जिसको क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं ओके ठीक है एमडी सुल्तान कोई दिक्कत नहीं है <coughs> <coughs>

जैसे होता नहीं है दिवाली पर बोनस दिया जाता है आपको है ना कि दिवाली का बोनस है ये भाई कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जो दी जाती है तो वो ई वाउचर की फॉर्म में दिया जाएगा आने वाले समय में उसमें भी आपको यही है कि जो भी बोनस मिलेगा ई वाउचर की फॉर्म में आपको रिडीम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा आप घर से ही कर सकते हो ये क्यूआर कोड और ओटीपी से ही आप उसको रिडीम कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा है भाई यहाँ पर जो मोदी जी के द्वारा किया गया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है हाँ, दो अगस्त को इसे लॉन्च कर दिया गया है ठीक है तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है इस चीज के बारे में समझ में आया पूरी तरह से कैशले, कैशलेस कैशलेस रहेगा ये और कॉन्टेक्ट लेस इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिजिटल पेमेंट डेवलप्ड बाई नेशनल अच्छा किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है अगर आपसे पूछा जाए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा एनपीसी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है ये आपको ध्यान रखना है ओके मैम कौन कौन यूज कर सकते हैं देखो विशाल चौहान फिलहाल तो सिर्फ गवर्नमेंट यूज करेगी इसको क्योंकि कोई भी भी स्कीम्स के तहत किसी पर्सन को लाभ दिया जाएगा तो गवर्नमेंट के द्वारा एक ई e वाउचर भेजा जाएगा आपको ठीक है मान लो कि आयुष्मान भारत योजना में आपका नाम है तो आपको ये वाउचर मिलेगा जिसमें आप पैसा रिडीम करा सकते हो कैश करा सकते हो अपना यहाँ से ठीक है यस yes. आगे चलकर ये कंपनीज वगैरह भी प्रोवाइड करने लग जाएंगे लेकिन फिलहाल तो ये योजना वगैरह के लिए लॉन्च किया कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से किसी भी पर्सन को यहां पर इजीली जोड़ा जा सकता है समझ में आया सभी को चलो बीच में कोई नहीं रहेगा बीच में कोई नहीं सरकार से पैसा आएगा और सीधा आपके पास ही पहुंचेगा बीच में कोई भी नहीं रहेगा यानी कि वो पैसा निकलवाने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बस ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है समझ में अभी सभी को क्वेश्चन ओके चलो सो so, इसको भाई एनपीसीआई ने लॉन्च तो किया है डेवलप किया है लेकिन किसके साथ में मिलकर के तो ध्यान रखना डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हो गया इनके सहयोग से इसे डेवलप किया गया है ठीक है तो एनपीसीआई ने इनके सहयोग से डेवलप किया है अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है देखो क्वेश्चन नंबर टू हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है भाई अभी जो है आपके न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं तो न्यू अपॉइंटमेंट है और देखो अपॉइंटमेंट्स वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे इंपॉर्टेंट है तो प्लीज छापते हुए चलना पहले से ही ठीक है पेपर में छप गए तो फिर बैठते रह जाओगे तो देखते रह जाओगे यस बताओ भाई क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी सुनो हाँ एक दो बच्चों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर डी रुचि बहुत अच्छा ओके ठीक है सुनो दीपक दास बिल्कुल सही आंसर है आपका जिन्हें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में यहां पर इनको बनाया गया है बाकी देखो प्रदीप चंद्र नायर आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं ये कौन बने थे भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स ऑफ असम राइफल्स असम राइफल्स के बारे, तो के, अच्छा, के बारे में तो आप सभी जानते होंगे 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और हमारे देश का डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन्हें ने तो ने बनाया जाता है तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है ओके चलो आगे बात करते हैं विवेक राम चौधरी के बारे में तो ये बेसिकली एयर चीफ बनाए गए थे ठीक है ये क्या बनाए गए थे आपके जो विवेक राम चौधरी की बात करते हैं सो वाइस ऑफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया जाता है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जी, इतनी चीजें क्लियर है सभी को बताओ मुझे फटाफट पड़ से किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल मैम ठीक है ऑप्शन नंबर डी डी हाँ बिल्कुल सही है सभी लोगों का आंसर बहुत अच्छा ओके ओके यस 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 हाँ ठीक है मैं, तो, uh, लेता है। मैं नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो विजय निषाद जी क्या आप ई रुपए के बारे में ही बात कर रहे हो हाँ चलो थोड़ा क्वेश्चन को ना क्लियर करके लिखा करो ताकि समझ में तभी तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी ठीक है चलिए सो फर्स्ट ऑफ अगस्त को ये अपॉइंटमेंट हुआ गया दीपक दास का अपॉइंटमेंट यहाँ पर कर दिया गया है इन्होंने यहाँ पर कार्यभार संभाल लिया इससे पहले जो मिस्टर दास हैं ये कहां पर काम करते थे सीबीडीटी में थे सीबीडीटी में ये किस रूप में काम कर रहे थे प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के रूप में काम कर रहे थे और अभी जो है ये आपके क्या बन गए हैं सीजीए के रूप में काम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए हाल ही में हंग्रियन ग्रैंड प्रिक्स टू को किसने जीता है जो हंग्रियन ग्रैंड प्रिक्स ट्वेंटी है इसे किसने जीता है ये आपको बताना है ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका ये सारी पढ़कर जानी है आपको ठीक है चलो एंड हाँ आज तो मैंने आप लोगों तो को, को बोला ही नहीं सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलेंगे एटलीस्ट जितना वाचिंग चल रहा है ना उतना फटाफट फ़ड़ से एक बार करके सेशन को लाइक कर दो सभी लोग ठीक है चलो अब बताओ मुझे फटाफट से क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या रहेगा ग्रैंड पिक्स को किसने जीता है भाई ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी सो so, ओके okay, असम राइफल्स की स्थापना 1935 तो मैंने क्या बताया मैंने भी तो यही बताया 1935 भी तो बताया और मैंने क्या बताया है हाँ थोड़ा कान खोल के सुना करो अच्छा मैंने कहीं 1935 तो नहीं बता दिया है चलो हो सकता है हाँ ये भी हो सकता है

रेनॉल्ट so, uh, Renault, Renault, के ये क्या है ड्राइवर है अच्छा कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से कौन सी कंट्री से फ्रांस से बिलोंग करते अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, लुइस हैमिल्टन की बात करते कौन से नंबर पे? ये तीसरे नंबर पे रहे हैं ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और कौन सी वाली गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज चलाते हैं कौन सी वाली गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज चलाते हैं अच्छा तो अब बात आती है कि सेकंड नंबर पे कौन रहा है सो so, अगर आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर पे सो सेबेस्टियन वेटल हैं जो सेकंड नंबर पे रहे हैं और ये भी मर्सडीज के ड्राइवर हैं। ये भी मर्सडीज चलाते हैं जो सेबेस्ट्रियन वेटल है दूसरे नंबर पे रहे हैं लेकिन ये कहां से बिलोंग करते हैं गाइस जर्मनी से बिलोंग करते हैं ठीक है कहां से बिलोंग करते हैं जर्मनी से अब देखो ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन तो बनने वाला है तो 2021 में जितनी भी ग्रैंड जीती गई हैं जितनी हुई है एक बार से रिवाइज कर लेते हैं सारी ये नोट डाउन कर लिया सबने हां जी नोट डाउन कर लिया चलो आगे समझते हैं देखो 2021 में कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स आपकी खेली गई है एक बार जरा से समझते हैं सारी चीजों को ध्यान से देखो हां जी ये सब टू की है जो आपको खुद से रिवाइज करनी है ये सब पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा आप देखो 2021 की कौन कौन सी सबसे पहले आपका बहरीन ग्रैंड है जिससे किसने जीता था लुइस हैमिल्टन ने जीता था अच्छा 2020 की जो ज्यादातर ग्रैंड प्रिक्स थी अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसने जीती है तो लुइस ही जीती है लुइस ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं ठीक है थीक्या? हाँ जी

हां जी स्टाइल ग्रैंड पिक्स को किसने जीता मैक्स वर्सन ने ऑस्ट्रियन भी मैक्स ने जीती है ग्रैंड ओकॉन ने, ने जीत ली है और भाई ये इनकी पहली जीत है ये इनकी फर्स्ट पहली जीत है पहली फॉर्मूला वन रेस जीत है इसलिए भाई ये क्वेश्चन आपका बन जाता है इंपॉर्टेंट कहीं पर भी पहली बार का ठप्पा लग जाए तो समझो पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है उसको जरूर से पढ़ के जाया करो ठीक है चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है अगस्त 2021 यूएनएसए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अध्यक्षता है वो कौन सी वाली कंट्री के पास में है ये आपको बताना अच्छा ये तो कंफर्म है कि इंडिया के पास है चलो ठीक है क्योंकि ऑप्शन में भाई सारे हमारे ही है सब हमारे ही लोग हैं, तो इसका मतलब इंडिया करेगा चलिए ठीक है इतना तो क्लियर है तो किसके द्वारा ये अध्यक्षता की जा रही है ये आपको बताना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी स्थापना कब होती है ट्वेंटी फोर ऑफ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव को होती है यूनाइटेड नेशन का ही अंग है ये भी यूनाइटेड नेशन की स्थापना भी अभी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को बिल्कुल सही है मोदी जी क्या बात है आप सभी के फेवरेट मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी किसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फ्रांस से ये अध्यक्षता इनको मिली है नरेंद्र मोदी जी को तो अब जरा जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आखिर है क्या तो देखो भाई इसकी बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है इसके इसके अंदर अंदर कितने मेंबर्स होते? मेंबर्स होते होते हैं हैं प्लस टोटल जो पांच मेंबर होते हैं ना ये होते हैं परमानेंट मेंबर्स अच्छा जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हीं के पास होती है वीटो पावर इनके पास होती है वीटो पावर कौन कौन से होते हैं पांच मेंबर एक बार से कमेंट सेक्शन में

मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा या उसके टेंशन मतलब पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल है साइंस विद काजल मैम के के नाम से वहां पर मिल जाएगा डेली का पीडीएफ ठीक है चलो आगे समझते हैं वीटो पावर होती है जब किसी भी मतलब ना कहने की पावर कि मैं मना करता हूँ परमिशन नहीं देने वाली जो पावर होती है उसको वीटो पावर कहते हैं और ये सिर्फ इन पांच कंट्रीज के पास में ही होती पूरे वर्ल्ड में और ये पांच कंट्रीज कौन कौन सी है एक बार से जल्दी से मुझे बता दो क्या बात है हाँ रानी पद्मिनी का भतीजा क्या कहे हो कभी कभी तो ऐसे कमेंट्स देख लेती हो कि मेरे पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं हाँ बिल्कुल सही है जी हा देखो रशिया हो जाएगा आपका चाइना हो गया फ्रांस हो गया यूके यूएसए हो गया ठीक है तो ये पांच कंट्रीज है जिनके पास में वीटो पावर होती है सो so, समझ में आप सभी को क्वेश्चन हेडक्वार्टर कहां पर मिलता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का न्यूयॉर्क के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो हां जी सो so नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है हाल ही में किस देश ने जी ट्वेंटी संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है विच कंट्री हैज द कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली जी ट्वेंटी कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली तो किस देश ने जी ट्वेंटी संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है आंसर क्या हो जाएगा इंडिया इटली जापान या फिर सिंगापुर एंड एंड प्लीज सेशन को लाइक like शेयर भी करते चलेंगे भाई सभी लोग बिना किसी कंजूसी के 500 लाइक्स का टारगेट हमेशा रहता है ना आप लोगों का और हमेशा आप लोगों ने अचीव भी किया है ऑलमोस्ट तो आज भी आपको करना है ठीक है 500 लाइक्स का टारगेट अचीव करना है तो जल्दी से जिन बच्चों ने नहीं किया मतलब 65 प्लस बच्चे तो अभी भी क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो भाई काहे कितनी कंजूसी करते हो हाँ अच्छी बात नहीं है चलो ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं शंभु कुमार जी अभी तो मैंने बताया था वीटो पावर क्या होती है ना कहने की शक्ति कि मैं ये अलाउ नहीं करता मैं इस चीज की परमिशन नहीं देता दैट इज वीटो पावर ना कहने की शक्ति होती है ठीक है पावर होती है जी ट्वेंटी कल्चर मिनिस्टर्स की जो बैठक है उसकी मेजबानी किसने की है ये आपसे पूछा जा रहा है तो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही है इंडिया बहुत अच्छा इंडिया के द्वारा ये मेजबानी की जा रही है जी ट्वेंटी में कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई और इंडिया से खास चीज ये याद रखना कि पहली बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है पहली बार जी ट्वेंटी है जी ट्वेंटी दो हजार तेईस में जो इसकी मीटिंग होने वाली है तो कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग है लेकिन दो हजार तेईस में जो उसकी जी ट्वेंटी की बैठक होने वाली है उसको पहली बार इंडिया होस्ट करेगा उसको पहली बार इंडिया होस्ट करेगा जो कि दो हजार तेईस में होने वाली कब होने वाली दो हजार तेईस में जो होने थी? वाली आप फिलहाल बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में तो देखो हां जी अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जी ट्वेंटी में कल्चर मिनिस्टर तो हमारे जो कल्चर मिनिस्टर है भाई वो कौन है अगर आपसे पूछा जाए कि कल्चर मिनिस्टर जो यार एक सेकेंड एक सेकेंड गाय एक सेकंड तुम लोगों ने गड़बड़ करवा दी है इंडिया नहीं है इसका सही आंसर हजार तेईस में करेगा तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी यार मैंने कहा इंडिया कैसे है 2023 में इंडिया करें। मैं लिख भी रही हूँ यहाँ पे 2023 में इंडिया पहली बार होस्ट करने वाला है हाँ लेकिन तुम लोगों पे मुझे इतना भरोसा था कि कुछ सही होगा नलायको इसका आंसर इटली है ठीक है गलत करवा रहे हो इटली इज अ करेक्ट आंसर मतलब सभी लोगों ने इंडिया आंसर किया था तो मतलब मैं भी एक बार को कंफ्यूज हो गई थी कि अच्छा इंडिया होगा हाँ इटली जो करे चांस है देखो बिल्कुल सही है इटली जो है वो आ, इस बार इसको होस्ट कर रहा है 2020 में सऊदी अरब ने इसको होस्ट किया था <coughs> 2020 में जो है वो सऊदी अरब ने होस्ट किया था और आ, 2021 में जो है आपका इटली होस्ट कर रहा है इटली पहली बार होस्ट कर रहा है भाई इसको तो ध्यान रखिएगा इटली पहली बार पहली बार होस्ट कर रहा है तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे ठीक है चलो 2022 में पूछा जाए तो इंडोनेशिया इसको होस्ट कर रहा है कौन इंडोनेशिया इसको होस्ट कर रहा है और 2023 में भारत होस्ट करेगा पहली बार होस्ट करेगा भारत 2023 में होस्ट करेगा कब करेगा 2023 में ठीक है सो ये ध्यान रखना तो आंसर क्या हो जाएगा नलायको इटली आंसर हो जाएगा सारे के सारे आंसर करे थे यहां पर इंडिया आंसर होगा इंडिया आंसर होगा तो मतलब सुधर जाओ तुम लोग अच्छा चलो कल्चर मिनिस्टर की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे कृष्णा है लेकिन ले रिप्रेजेंट करने वाली है भारत को कौन <coughs> मीनाक्षी लेकी जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ स्टेट है ये और इन्हीं के द्वारा रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जा रहा है तो इनका नाम आपको याद रखना है चलो जी ट्वेंटी की बात कर लेते हैं आप जरा जी ट्वेंटी कितने में में हैं इसके देखो इसमें उन्नीस देश होते हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है क्या भारत इसका हिस्सा है बिल्कुल सही है भारत इसका हिस्सा है यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर में में कंट्रीज में में है में 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 ट्वेंटी कौन सी कंट्री है जो यहाँ से एग्जिट हो चुकी है तो भाई ब्रिटेन है ब्रेग्जिट है हाँ तुम लोगों ने गलत करवा दिया क्वेश्चन अर्जुन सही कह रहे मैम मैंने पहले ही बोला था इंडिया है अच्छा मैंने भी पहले किया था भारत बाद में इटली ही किया देखा और तुम सभी जब इंडिया इंडिया आंसर करे तो मुझे भी लगा यार अच्छा ठीक ही बोल रहे होंगे सारे बच्चे जब इंडिया बोलते हो सही बोल रहे होंगे हमेशा आप लोगों के सही होती है तो मुझे खुद पर ही डाउट हो गया मैंने बिना सोचे समझे इंडिया आंसर लगा दिया चलो देखते हैं जी सो ध्यान रखना भाई अच्छा इस बार जो है इसके अंदर आईएमएफ भी है जो पार्टिसिपेट करने वाला है वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा और यूनेस्को भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है तो चर्चा का विषय इस बार क्या रहने वाला है चर्चा किस चीज को लेकर होने वाली है कि ये जो यूनेस्को है इसके जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस चीज को लेकर पर चर्चा की जानी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है समझ में आया कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हमारे देश के अंदर चालीस वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई चलो दो नई ऐड की ना थर्टी एट थी पहले दो कौन कौन सी नई ऐड की गई है ये ध्यान रखिएगा एक तो तेलंगाना में रमप्पा टेम्पल मिलेगा आपको प्लस एक आपको मिलता है धोलावीरा हड़प्पा संस्कृति का शहर धोलावीरा गुजरात के अंदर इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो समझ आए सभी को आगे बढ़ लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इटली के बारे में तो जान ले पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इटली देखो भाई इटली के बारे में बात करेंगे तो यहां पर जो है आपका यहां पर एक एक लेक पाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इटली के अंदर यार इटली का मैप ही नहीं लगा रखा आज तो कमाल कर दिया यार इन्होंने देखो इटली के अंदर एक लेक पाई जाती है जिसका नाम है सालदा लेक और कुछ टाइम पहले क्वेश्चन आया था एक एक चीज न्यूज में थी कि भाई मंगल ग्रह पर जो 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 जे जेरो क्रेटर जो है वो धरती पर एक झील से मिलती जुलती है उसका नाम आपसे अगर पेपर में पूछा जाए तो आंसर करोगे सालदा लेक है ठीक है यहाँ पर एक पोर रिवर भी पाई जाती है इटली के अंदर बहती है पोर रिवर जिसे कहा जाता है गंगा इटली जिसे क्या कहा जाता है गंगा इटली कहा जाता है जिससे भारत के गंगा जो है ना हाँ उसी के नाम पर इसको कहा जाता है मतलब ऐसा कहते हैं कि ये इटली की गंगा है ये इटली की गंगा है ऐसा कहा जाता है इस इस रिवर के बारे में तो ये कौन से पो रिवर इसका नाम है तो ये आपको ध्यान रखना है ओके चलो यहां पर एक सिटी है गाइज मिलान सिटी है जो कि फैशन सिटी ऑफ इटली के नाम से जानी जाती है यह भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो बाकी देखो जी ट्वेंटी की अगर बात करते हैं तो इसके स्थापना कब होती है भाई जी ट्वेंटी के बारे में अगर हम बात करें यहां पर देखो हां जी जी ट्वेंटी की अगर बात कर तो देखो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ऑफ सेप्टेंबर 1999 को क्या की जाती है इसकी स्थापना की जाती है जी ट्वेंटी की और 19 इसके अंदर कंट्रीज होती हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन होता है यूरोपियन यूनियन में मेंबर कंट्रीज है जिसमें से एक ब्रिटेन है आपका जो जो कि कि क्या कर चुका है इससे यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले चुका है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है अब एक बात बता दो इसका मुख्यालय कहाँ है, है? मैम चलो ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है किसने पूछा है ये रणवीर जाट अच्छा रणवीर जाट तुमने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि मैम जी ट्वेंटी का हेडक्वार्टर कहां होता है एक बार से मुझे आंसर करके बताओ पहले तुम लोग तुम्हें क्या लगता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है हां जी फटाफट -फड़ से बताओ एक बार से इसका हेडक्वार्टर कहां पर है चलो पेन टूटते टूटते बच गया है। ओके ठीक है ब्रुसेल्स चलो ठीक है अब, देख, अब मजा आएगा कुछ बोल रहे हैं कि ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर होता है ठीक है ओके नो हेडक्वार चलो कुछ बच्चों को तो पता है कम से कम बिल्कुल सही है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है इसका हेडक्वार्टर होता ही नहीं है जी ट्वेंटी का क्या होता है कि जो भी मेंबर कंट्री होती है ना जिस भी कंट्री के अंदर इसको हेल्ड uh, किया जाना होता है बस उसी कंट्री में इसका उस टाइम पर ऑफिस रहता है कोई भी हेडक्वार्टर इसका फिक्स नहीं रहता नालायको देखो कुछ बेल्जियम के कैपिटल में जेनेवा में ये हाँ यूएसए में बाप रे कितनी बार जबकि चीजें मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ पहले भी कि जी का हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं होता है ठीक तो है तो ध्यान रखा फ्रीडम टीम बीन लॉन्च इन विच कंट्री कौन सी वाली कंट्री में से लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है तो क्या लगता है भाई सही आंसर क्ला hmm, इसका मतलब होता है कॉन्कर लैंड एयर एंड वॉटर ओके सो आंसर बता दो फटाफट एंड गाइस प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे चले सारे स्टूडेंट्स कितना तुम लोग कंजूसी करते हो फटाफट से करके सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो हाँ रुपेंद्र बिल्कुल सही इसका हेडक्वार्टर नहीं होता अखिलेश कुमार वाशिंगटन डीसी नहीं है हर चीज का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में नहीं होता है इसका हेडक्वार्टर नहीं होता है ठीक है ओके सुनो <clears throat> देखो मुंबई भी आंसर आ रहे है हां मुंबई मुंबई जरूर होगा हाँ देखो क्या किया जाए तुम लोग फिलीपींस नहीं है गाइस यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंडिया इज द करेक्ट आंसर अब समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन को क्या है देखो जो डिसेबल पर्सन होते हैं जो मतलब कि एबल नहीं होते चलने के डिसेबल पर्सन होते हैं कुछ ट्वेंटी पर्सन को यहाँ पर चुना गया है और ये वो पहले पर्सन होंगे जो क्या करना चाहते हैं जो कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं जिनको एडवेंचरस करने का बहुत शौक है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो डिसेबल है तो ऐसे पर्सन को क्या किया जाएगा ऐसे पर्सन के लिए बेसिकली यहाँ पर एक टीम बनाई गई है एक टीम क्लान एक टीम बनाई गई है और वो टीम क्या काम करेगी इन बीस पर्सन को लेकर जाएगी कहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर लेकर जाएगी जहां पर क्या करवाए जाएंगे इनसे एडवेंचरस एक्टिविटीज करवाई जाएंगी और इस टीम के थ्रू इनका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा इनके लिए रिहेबलाइजेशन जो है वो ओपन किया गया मतलब इनके रहने वहने की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं और इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी फिर इनको लेकर जाएंगे कहां पर सियाचिन ग्लेश ग्लेशियर पर लेकर ग्लेशियर पर लेकर जाएंगे जहां पर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज है जो कि इनके द्वारा करवाई जाएंगे ठीक है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी सियाचिन ग्लेशियर हाइएस्ट बैटल फील्ड के रूप में जाना जाना जाता जाता है है आपका किस रूप में फील्ड के रूप में जाना जाता है तो भाई यहाँ पर जो युद्ध हुआ था कारगिल वॉर यहीं पर तो हुआ था आपका कारगिल वॉर किस किस के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1999 में हुआ था और यहीं पर आपका ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था अगर पूछा जाए ऑपरेशन मेघदूत के बारे में तो ये कब जाताइनटीन एटी फोर के अंदर चलाया जाता जो आपका ऑपरेशन मेघदूत तो चलाया गया था नाइनटीन के अंदर चलाया गया था तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है हाँ जी समझ आएगा यहाँ तक सभी को क्वेश्चन चलो अब देखो कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट समझो जैसे कि मान लो गा आपसे पूछा जाए कि जो डिसेबल पर्सन होंगे बीस ये कौन से वाले पर्सन होंगे या तो किसी भी मतलब कि हमारी अगर कंट्री की बात करें तो काफी सारी पॉपुलेशन है करोड़ों की पॉपुलेशन है जिसमें डिसेबल पर्सन है तो उनमें से सिर्फ 20 परसेंट को चुना गया है जो सियाचिन ग्लेशियर पर जाएंगे एडवेंचरस एक्टिविटीज करने के लिए तो आखिर ये 20 परसेंट कौन से होंगे ये होंगे एक्स सर्विस में नॉर्मल पर्सन को नहीं लेकर जा रहे हैं किसको लेकर जा रहे हैं एक्स सर्विस मैन को लेकर जा रहे हैं सिर्फ और इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो आ, बेसिकली आ, ट्रेनिंग के बाद में ही इनको सियाचिन ग्लेशियर पर ले जाया जाएगा ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने हैं ऑपरेशन ब्लू इसी को कहते हैं कि को यहां पर लेकर जाएंगे टीम क्लॉक के दौरान लेकर जाया जाएगा क्लियर है क्वेश्चन यहां तक सभी को हां जी इनको यहां पर रहने वहने की सुविधा भी दी जाएगी ट्रेनिंग वगैरह भी इनको यहां पर दी जाएगी चलो अच्छा ये तो हो गया ऑपरेशन ब्लू कुछ और ऑपरेशन भी तो जो चलाए गए थे जो कि आज तक भी पेपर में पूछे जाते हैं एक बार से जरा उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेशन है जैसे कि ऑपरेशन विजय ये तो ऑपरेशन मेघदूत हो गया सबको पता है ऑपरेशन विजय पूछा जाए अगर आपसे तो ये कब चलाया जाता है क्यों चलाया जाता है ध्यान से समझिएगा जो गोवा है आपका पुर्तगीज सबसे पहले आए थे सबसे लास्ट में गए थे गोवा से ही गए थे है ना कब गए थे 1961 में गए थे गोवा को मुक्ति दिलाने के लिए जो है आपका ऑपरेशन विजय चलाया गया था फिर 19 दिसंबर 1961 को जब ये छोड़कर चले जाते हैं तो उसी को क्या मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है अच्छा ये तो हो गया ऑपरेशन विजय एक आपको चलाया गया था ऑपरेशन पोलो ये किसके लिए चलाया था भाई हैदराबाद को इंडिया के अंदर शामिल करने के लिए है ना हैदराबाद को आजाद करके भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो जो है वो आपको चलाया जाता है 1948 में कब 1948 में चलाया गया था हैदराबाद को मुक्त दिलाकर भारत में शामिल कराने के लिए क्वेश्चन क्लियर है सभी को ओके okay. हां जी बिल्कुल सही यस वेरी नाइस चलो आगे बढ़ते हैं ये चीजें याद रखनी सारी आप लोगों को ठीक है बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें यहां पर तो चाइना तो भाई देखो न्यूज में रहता है चाइना का तो कहना ही क्या है इसका मंगल मिशन पेपर में पूछा जा सकता है वो जरूर पड़कर जाएगा फर्स्ट है और रोवर रोवर जो भेजा भेजा था था वो रो, था। अच्छा यूएसए ने कौन सा रोवर भेजा था एक बार से मुझे कमेंट करके बताओ यूएसए ने कौन सा रोवर है जो की मंगल ग्रह पर भेजा था चलो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वही ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखोगे आप ग्रेट बैरियर रीफ आपकी जो कि अब कम होती जा रही है और क्योंकि यहाँ का पानी जो उसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा बढ़ता जा रहा जिसकी वजह से खतरे में यूनेस्को ने इसे कैटेगरी में रख दिया फिलिपींस फिलिपींस की बात करेंगे तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर आपको फिलिपींस में मिलता है प्लस जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वो हम किसको दे रहे हैं फिलिपींस को दे रहे हैं ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो अब जरा बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखो क्या है ग्लेशियर लोकेशन तो देख लो है ये वाला जो एरिया है वो ग्लेशियर का एरिया पड़ता है ठीक है तो यही पर भेजा जा रहा है इन बीस परसन को बिल्कुल सही है यूएसए ने भेजा है, अच्छा, <coughs> अच्छा है बहुत अच्छा कौन सी वाली लौकी पहले मुझे ये बता, तुमको लौकी बहुत पसंद है हाँ लौकी मीना चलो आगे बढ़ते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका यस नेक्स्ट न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है टोक्यो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने जीता पदक ब्रॉन्ज पी पीवी सिंधु से काफी उम्मीदें थी हमें और जैसा कि मोदी जी ने पीवी सिंधु को कहा भी था कि अगर आप मेडल जीतकर लाती हो कि जीतकर आइए फिर साथ में बैठकर आइसक्रीम खाएंगे तो इनके पापा ने कमेंट भी किया था कहीं पर जिनमें इनके फादर ने पीवी सिंधु के फादर ने कहा था कि अब तो मेरी बेटी आइसक्रीम खाएगी मतलब ऐसा कुछ कमेंट किया गया था सो so, देखते हैं कब दोनों आइसक्रीम खाते हुए पाए जाते हैं ठीक है तो पीवी सिंधु ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है ये आपको ध्यान रखना है और भी आपका ओलंपिक से रिलेटेड तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं एक वीडियो स्पेशल मैं आपको दूंगी कितने अभी आठ तारीख तक चलेगा ना आपका हाँ दो तीन दिन की बात है फिर ओलंपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे एक ही साथ में करा दूंगी आप लोगों को ओके तो ध्यान रखना चलो पीवी सिंधु ये सेटलर है ये तो आप सभी को बताए बहुत अच्छा आगे देखो हम्म बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु दो हजार की, कोम है, वो, आ, की खिलाड़ी से हार थी? कौन सी वाली खिलाड़ी इनके ऊपर भारी पड़ गई थी जिससे ये हार गई थी तो क्या है आपका आंसर ये भी तो पूछे जा सकते है ना आपको ये भी ध्यान है कि किस खिलाड़ी से वो हार गई थी ठीक है चलो आंसर कर दो करके बताओ फटाफट से नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर सेवन पे क्वेश्चन नंबर सेवन देखो क्या है हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन द बर्ले मार्क्स साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें एक और कंट्री की जगह शामिल हुई है आपको बताना कौन सी जगह हाँ यस yes, बिल्कुल सही कोलंबिया की खिलाड़ी से वो हार गई थी बहुत अच्छा <coughs> राजेंद्र सिंह जी नहीं मालूम मैम बताओ कोलंबिया के खिलाड़ी से हार गई थी ओके सो so, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बताना फटाफट फ़ड़ से कि कौन सी वाली जगह जो है द साइट साइट कौन सी वाली कंट्री में है ये मार्क जो है ये जो आपकी जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूबा आंसर कर रहे हैं कुछ इसराइल आंसर कर रहे हैं जब देखो बस तुक्का लगाना रहता है तुम लोगों को ब्राजील होगा गाइज आपका सही आंसर यहाँ पर बुर्ल मार्क्स ये एक आर्किटेक्ट थे मार्क्स जो है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ा था इन्हीं के नाम पे जो कि एक आर्किटेक्ट है इनके नाम पे काफी सारे गार्डन से ब्राजील के अंदर देखने को मिलेंगे जिनका नाम इनके नाम पे रखा गया है ओके okay, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस क्या है आर्किटेक्ट है चलो ये तो बात हो गई भाई ब्राजील की कि ब्राजील के अंदर ये जगह है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है इंग्लैंड अभी न्यूज में था इंग्लैंड में कौन सी वाली सिटी है कौन सी वाली जगह है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आउट कर दिया है बाहर कर दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लिवरपूल लिवरपूल सिटी को बाहर कर दिया इसका रीजन ये बताया गया है कि ये लिवरपूल जो जो सिटी है उसको मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं जो डेवलपमेंट के लिए पैसा यहाँ पर यूनेस्को की तरफ से दिया गया है वो बेकार गया इन्वेस्टमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हो रही है तो जिसके चलते क्या कर दिया इसको एग्जिट कर दिया है चलो ठीक है इसराइल में कितनी कंट्री शामिल है तीन कंट्रीज शामिल कौन कौन सी एक तो आपको मिलेगी यू प्लस आपको मिलेगी बहरीन और लास्ट में जो एड हुई थी दैट इज सुडान लास्ट में कौन सी सुडान कंट्री यहां पर एड हुई थी क्यूबा क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा है ना चीनी का कटोरा कहा जाता है और क्यूबा में अभी न्यूज में था काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन सरकार को लेकर चल रहा है क्योंकि यहाँ की जो सरकार है कोविड को लेकर के कुछ अच्छे से बहुत काम नहीं कर रही काफी लापरवाही कर रहे जैसे सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चला था सरकार ने नेट कनेक्शन भी हटा दिया था जिसके चलते फिर यूएसए ने यहाँ पर वो बैलून वाले सिस्टम करके और नेट कनेक्शन प्रोवाइड किया था ठीक है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है हाँ जी यस बिल्कुल सही है चलो आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट uh, न्यूज देखते हैं हमारी क्या है यहाँ पर चलो क्वेश्चन नंबर एट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर एट हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन बॉक्स किसके लिए के लिए किसके साथ में समझौता किया है रिसेंटली बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है स्टाइट अप विद होम फॉर एयरपोर्ट इन अ बॉक्स इसके लिए किसके साथ समझौता किया है देखो जो है, कुछ कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद है कुछ? गोड़ा के नाम से इसी को जाना जाता है जिसे रिसेंटली अवार्ड भी दिया गया था भाई कौन सा वॉइस टू कस्टमर अवार्ड मिला था इसे वॉइस टू कस्टमर अवार्ड दिया गया था बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और अभी क्या है एयरपोर्ट इन्ह बॉक्स के लिए समझौता किया है भाई किसके साथ में समझौता किया है ये आपको बताना फटाफट से करके बताओ नहीं पाटले कुमार रोहित जी क्लास लाइव चल रहे रिकॉर्डेड नहीं है ठीक है अडानी ग्रुप चलो ऑप्शन ए बी यानी कन्फुजिया रहते ना सारे बच्चे देखो भाई आंसर ए और बी दोनों गलत है एंड आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज दो करेक्ट आंसर यहां पर जो ये एग्रीमेंट हुआ है जो समझौता हुआ दस साल के लिए समझौता किया गया इसका पर्पज है कि जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको क्या बनाना है स्मार्ट एयरपोर्ट बनाना है उसको क्या बनाना है स्मार्ट एयरपोर्ट बनाना है कितने साल के लिए समझौता हुआ है दस साल के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है यहां पर किसके साथ में आई के साथ में बनाया गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ में किया है ठीक है तो सबका गलत है इसलिए ध्यान से सुनो देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात चल रही है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से नोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला राज्य कौन सा बनने जा रहा है आपका 2022 तक बन जाएगा उत्तर प्रदेश एट प्रेजेंट में बात करेंगे तो तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है यहाँ पर प्लस टू और बनने जा रहे हैं तो दो और बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स वाला राज्य बन जाएगा ओके okay. रिसेंटली कुछ एयरपोर्ट है जिसका नाम चेंज किया गया जैसे कि आपका अयोध्या एयरपोर्ट जो है इसका नाम चेंज करके पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पे रखा गया है है ना श्री राम जी के नाम पे रखा गया और कौन सा वाला एयरपोर्ट था यहाँ पर जिसका नाम चेंज हुआ था भाई रिसेंटली किसी को कुछ याद है तो फटाफट से बताओ मुझे आंसर करके जल्दी से तब तक हम आईबीएम के बारे में जानते हैं देखो आईबीएम बी एम इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है न्यूयॉर्क के अंदर सीईओ इसके कौन हो जाएंगे अरविंद कृष्णा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन हो जाएंगे अरविंद कृष्णा हो जाएंगे ठीक है चलो एयरपोर्ट से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें यस हाँ जी हाँ बिल्कुल जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये काफी न्यूज में रहा था और सब पहले तो मतलब पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था ये भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है चलो एयरपोर्ट से रिलेटेड ही आगे वाला क्वेश्चन है उसमें और डिस्कस करते हैं सारी चीजें हम लोग चलो किसकी? आईबीएम की, IBM की. Next. राकेश जुन -जुन ने एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है यहां पर जानेंगे सारी चीजें अकाशा एयरलाइंस को एक नई एयरलाइन बनने जा रही है एक नई एयरलाइन बनने जा रही है जिसकी घोषणा कर दी किसने किसने की है भाई राकेश झुंझुनवाला ने कर दिया तो आपको ये बताना है कि ये वाली जो एयरलाइन है हम्म आपसे क्या पूछा जाएगा इस एयरलाइन का नाम क्या होगा किसके द्वारा इसे लॉन्च की घोषणा की गई है तो देखो समझते हैं सारी चीजें एक सेकेंड देखो हम्मी एयरक्राफ्ट so, के साथ में सेवनटी एयरक्राफ्ट के साथ में यहां पर नई एयरलाइन जो है वो लॉन्च की जा रही है तो और इसका नाम आपसे पूछा जा सकता तो याद रखिएगा अकासा होगा इसका नाम क्या होगा अकासा एयर इसका नाम होगा जिसके राकेश झुंझुनवाला के द्वारा से लॉन्च किया गया है अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन है मुझे फटाफट से बताओ जो गो एयर है इसका नाम चेंज कर, कर दिया गया है तो आपको यह बताना है कि जो क्या कर दिया गया है हाँ जी बदल कर, कर दिया गया है ये आपको बताना है तो क्या लगता है वह सही आंसर क्या होगा इसका हम्म hmm. किसी को नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर ये तो इंपॉर्टेंट है यार गो फर्स्ट कर दिया गया है गया. क्या कर दिया गो फर्स्ट कर दिया गया अच्छा अब देखो आपको बताना है मुझे जो कुछ एयरपोर्ट है जैसे कि औरंगाबाद एयरपोर्ट है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम चेंज करके किसके नाम पे रखा गया संभाजी महाराज के नाम पे रखा गया किसके नाम पे संभाजी महाराज के नाम पे रखा गया है बाकी अयोध्या का हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ठीके? और एक जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी तो है आपका जो कि कहां पर मिलेगा भाई आपको नोएडा के अंदर और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया क्या कर दिया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया क्या कर दिया गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है हाँ बिल्कुल ठीक है मुकेश कुमार अब आंसर कर रहे हो तुम लोग हाँ यस गो फर्स्ट कर दिया गया बहुत अच्छा बहुत अच्छा हम्म बिल्कुल सही है ओके okay. सो so, ये सारी चीजें गाइस यहां से याद रखने थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे जो सिविल एवेशन मिनिस्टर है वो कौन है अगर आपसे पूछा जाए कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे कौन है तो आंसर क्या हो जाएगा ज्योति ज्योतिरादित्य सिंधिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ये क्या हो जाएंगे आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर हो जाएंगे और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर नासिर कमल है कौन है नासिर कमल ठीक है चलो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नाइन टोक्यो ओलंपिक्स में टेनिस खिताब जीत लिया है आपको बताना है टारगेट कि like आप लोगों तो को मैंने दिया हुआ है जो अभी तक आप लोगों तो ने अचीव नहीं किया है सो so, सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते हुए चले चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम्म hmm. यस yes, बिल्कुल सही चलो टोक्यो ओलंपिक्स सॉरी हाँ टोक्यो ओलंपिक्स में टेनिस मैं सिंगल्स का खिताब किसने जीता है राफेल नडाल ने रोजर फेडरर ने करण करण कश्नोव ने या फिर अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है सो ऑप्शन नंबर डी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है यहाँ पर अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है किसने जीता अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इसको जीत लिया है इन्होंने रशिया की अः जो कैरिन कैचिनोव है ये कहाँ से है रशिया से इनको हरा दिया है भाई किसको ऑप्शन नंबर सी पे जो आप देखें कैरिन कैचुकोवा को हरा करके इन्होंने यहां पर जीत लिया है ठीक है तो इनका नाम आपको याद रखना है ओके okay. बाकी देखो नोवाक जोकोविच की बात करते हैं तो इनसे काफी सारी उम्मीदें थी हमें नोवाक जोकोविच की अगर बात करते हैं तो लेकिन ये सेमीफाइनल में ही हार चुके हैं सेमीफाइनल से ही आउट हो गए थे और ये सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद टोक्यो ओलंपिक्स मतलब अब हमें इनसे मतलब काफी उम्मीदें थी मेडल लेकर आएंगे बट ऐसा नहीं हुआ सेमीफाइनल में इन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन हाँ सर्बिया के खिलाड़ी हैं और तीनों ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीती है जो तीनों ग्रैंड स्लैम है आपके कौन कौन से ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन को छोड़ करके तीनों ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं जैसे कि विमर्डन ओपन हो चुका फ्रेंच ओपन हो चुका और ओपन ओपन फ्रेंच कौन सा था आपका ऑस्ट्रेलियन है ना तो तीनों तो वो प्लीज याद करके जाइएगा एक बार से मैं रिवाइज करा देती हूँ कि वुमेन्स कैटेगरी में किस, किस ने जीता है देखो वुमेन्स कैटेगरी ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो नाओमी ओसाका ने जीता है ये जापान की खिलाड़ी है नाउमी ओसा का ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर विम्बल ओपन की तो यह किसने, साथ साथ किसने जीता है आशले बार्टी ने जीता है ये कहां से बिलोंग करती है तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है गाइस ठीक है और कौन सा बच गया भाई आपका फ्रेंच ओपन बच गया है. चलो अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंच ओपन के बारे में किसने जीता है बारबोरा कोवा करके नाम है ना उन्होंने जीता है चलो इनका नाम भी आपको तीन ग्रैंड स्लैम इस बार अभी तक तीन ही ग्रैंड स्लैम हुआ है तो तीनों ग्रैंड स्लैम की जो वुमेन्स कैटेगरी वो अलग अलग है ये चेक गणराज्य से है चेक रिपब्लिक ओके यस

मेंस को कौन सा अवार्ड देते हैं टेनिस के फील्ड में तो डेविस कप दिया जाता है ठीक है जो फेड कप हार्ट अवार्ड है इसका नाम रिसेंटली चेंज कर दिया गया था और चेंज करके किसके नाम पे रखा था बिली जीन किंग के नाम पे रखा गया था ये यूएसए की एक बहुत ही फेमस वुमेन टेनिस प्लेयर है इनको सम्मानित करने के लिए रखा गया था अच्छा फेड कप हार्ट अवार्ड पहली महिला कौन बनी थी इस अवार्ड को जीतने वाली सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा बनी थी 2020 में ही इन्होंने इस अवार्ड को जीता था कब 2020 में ही सानिया मिर्जा ने ये अवार्ड जीता था ठीक है ये सारी चीजें आपको याद रखना हाँ हॉकी की टीम भी पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में बिल्कुल मुझे पता है आगे आगे देखते हैं होता क्या आप लोग अपडेट रहेगा बस हर चीज है मैं लास्ट में एक साथ आप, आप लोगों को सारे ओलंपिक से क्वेश्चन करा दूंगी जहां जहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे एक साथ करा दिए जाएंगे आपको ठीक है चलो हां जी ये कौन है अलेक्जेंडर ज्वेर है जर्मनी से तो इन्होंने रशिया के केरिन को अजीब <clears throat> सा नाम है यार इनका हरा करके यहा पर इन्होंने जीत लिया है अलेक्जेंडर ज्वेलर तो इनका नाम आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ लिया जाए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्या है यस क्वेश्चन नंबर टेन हाल ही में किस राज्य ने गो रक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है किसके लिए गो रक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है नोवाक जोकोविच नहीं ये सेमीफाइनल में हार गए प्रेम प्रकाश जी सो yes, so गौ रक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जो कि एक टास्क फोर्स ये क्या काम करेगी देखो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग दो दो टीमें बनाई गई है एक टीम बनाई गई है इसमें स्टेट लेवल पे इस टीम के अंदर छह मेंबर होंगे जो कि काम करेंगे इसी चीज को लेकर के गौ रक्षा को लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके अंदर ग्यारह मेंबर होंगे जो गौ रक्षा पे काम करेंगे मतलब देखा जाएगा जो आवारा गाय होती हैं तो उनके खाने पीने का उनके अः मतलब उनका पालन पोषण खाना पीना उनका उनका रख रखा उनका ख्याल रखना ये सब सारी चीजें जो है वो इसके अंदर की जाएंगे टास्क फोर्स के अंदर बिल्कुल सही अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश आंसर कर रहे हैं ये यूपी वाले होंगे जो भावनाओं में डूबते जा रहे हैं सुनो यूपी नहीं है आपका आंसर हरियाणा हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हरियाणा आंसर हो जाएगा आवारा गायों की सुरक्षा के लिए से बनाया गया है ये एक टास्क फोर्स ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम करेगी इसके साथ में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम करेगी ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो अच्छा अभी मुझे आप लोग आंसर करो कि मवेशियों के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था मवेशियों के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था तो आपका आंसर क्या होगा और तब तक हम जानते हैं हरियाणा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें ठीक है ठीके? सुनो नहीं राजस्थान गलत है कितना तुक्का लगाते हो तुम नलाय को कितना तुक्का लगाते हो <laughs> मुझे बताओ मवेशियों के लिए कानून बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा बना था तो आपका आंसर क्या होगा तब तक हम हरियाणा के बारे में डिस्कस करते हैं देखो अभी हरियाणा ने एक एमरजेंसी नंबर लागू किया था कौन सा था वन वन टू की आपको कोई मेडिकल हेल्प या फिर पुलिस के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉल करो और आपको हेल्प मिल जाएगी प्लस हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर देखो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है सेकेंड एडिशन पंचकुला में जो 2021 में होने वाला था तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया अब 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ठीक है बाकी पंचकुला के अंदर ही आपका जो मोरनी हिल्स है ना वहां पर आ, मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब का नाम भी है वो रखा गया है तो ये भी ध्यान रखना मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब का नाम रख दिया गया है इसके अलावा हरियाणा सरकार की बात करते हैं तो देखो 75% रिजर्वेशन दिया जा रहा प्राइवेट कंपनीज में स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं सीटें 75% 50 पचास प्रतिशत सीटें रिजर्व कर दी गई हैं महिलाओं के लिए पंचायतों के अंदर ठीक है तो ये सारी चीजें याद रखनी है बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर गए जो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं असाम वेरी राइट यस yes, यस yes, हाँ जी आ, आ. खट्टर जी ने नहीं।, नहीं है वो खट्टर है खटर है है खट्टर ठीक मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च की गई है ये वाला जो आपकी योजना है टास्क फोर्स के घोषणा होने के द्वारा की गई है और भाई नए गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट हो गए हैं आपके और उनका नाम क्या है बंदारू दत्तात्रेय है जो कि पहले कहां पर थे तो ये पहले आपके कहां पर थे हिमाचल प्रदेश के अंदर थे बंदारू दत्तात्रेय जो कि कहां पर आ गए हैं हरियाणा के गवर्नर के रूप में अब कार्यभार इन्होंने यहां पर संभाल लिया है ठीक है ओलंपिक्स में मेडल जीतने वालों को कितने रुपए दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे उन्हें छह करोड़ रुपया मिलेगा जो सिल्वर मेडल जीतकर लाएंगे उन्हें चार करोड़ मिलेगा जो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाएंगे उन्हें यानी कि ढाई करोड़ रुपए दिया जाएगा यह अनाउंसमेंट किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा बाकी देखो एक योजना यहाँ पर स्टार्ट की जाती है ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म मेरा पानी मेरी विरासत योजना और एयर टैक्सी सर्विस को शुरू करने वाला भी हरियाणा पहला राज्य बना था एयर टैक्सी सर्विस को शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना था ये कहां से चलाई गई थी हिसार टू चंडीगढ़ सर्विस चलाई गई थी ठीक है बाकी दो नेशनल पार्क्स मिलेंगे आपको यहां से कौन कौन से दो नेशनल पार्क्स मिलेंगे मैम एमसी मेरी कॉम को बाहर कर दिया गया क्या और मैच खेलेगी नहीं ये इनका लास्ट ओलंपिक था अब वो नहीं खेल सकती है ओलंपिक्स में अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती उनका आखिरी ओलंपिक था ये बहुत अच्छा हाँ ने पेन विशाल वेरी नाइस आगे समझते हैं यहां पर आपको मिलता है क्या सुल्तानपुर नेशनल पार्क ठीक है प्लस आपको यहां पर एक और नेशनल पार्क मिलता है कालेश्वर नेशनल पार्क ये दोनों आपको हरियाणा के अंदर ही देखने को मिलते हैं ठीक है क्लियर है सारी चीजें आप लोगों तो को, को, को आगे बढ़ लिया जाए रविशंकर झा चीफ जस्टिस है यहाँ परीफ जो चीफ जो आका हाई कोर्ट उसका नाम चेंज कर दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया है राज्यसभा की पांच सीटें लोकसभा की यहां से दस सीटें हो जाएंगी एक बार से देख लेते कौन कौन सी स्टेट के साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है देखो पंजाब <coughs> सॉरी हरियाणा तो ये बेसिकली पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है कृषि कानून का उल्लंघन करने वाला पहला राज्य आशीर्वाद योजना यहीं पर स्टार्ट की गई थी शगुन योजना भी स्टार्ट की गई थी राजस्थान एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना यहाँ से स्टार्ट की जाती है आपकी है ना जो ओम बिरला वो राजस्थान कोटा बूंदी से और इन्हीं के द्वारा पोषण अभियान महिलाओं के लिए भी स्टार्ट किया था राजस्थान से ठीक है उत्तर प्रदेश मिलेगा टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की भी है। जहां पर आलू अनुसंधान भी आपको मिलता है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है चलो आगे पढ़ लिया जाए भाई यस और आगे आते हैं हम स्ट्राटेजी के वाले सीरीज पे गाइस अब स्ट्राटेजी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे रेडी सब लोग एक बार से बता दो भाई चलो शुरू किया जाए स्टैटिक जीके एक बार से फटाफट -फड़ से करके मुझे थम्स अप दे दो और प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो 500 का टारगेट है गाइस हमारा जो कि अभी काफी दूर है हम लोग सो so, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलें देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यस, फर्स्ट क्वेश्चन उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट जो हाई कोर्ट होता है उसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है यह आपको बताना है हां जी बताओ भी फटाफट फड़ से जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफी बार हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके काफी बार डिस्कस कर चुकी हैं तो फटाफट से आंसर कर करके बता दो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए हम्म ये तो बहुत इजी है अब तक तो आ जाने चाहिए थे आंसर कुछ बच्चे ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं क्या किया जाए तुम्हारा हाँ क्या किया जाए बी वाले बच्चों का सही है लेकिन डी वाले सब गलत जा रहे हो यार प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है गाइज

आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू देखो <clears throat> अच्छा आ, कुछ और चीजें भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को जैसे कि हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट्स हैं 25 हाई कोर्ट्स हैं कई बार पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है तो याद रखना कोलकाता हाई कोर्ट है जो कि ओल्डेस्ट है और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस एट प्रेजेंट में बनाए गए हैं उनका नाम क्या है एट प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस यहाँ पर है उनका नाम क्या हो जाएगा राजेश बिंदल है गाइस क्या है राजेश बिंदल है अच्छा यह भी पूछा जा सकता है कि जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा अमरावती हाई कोर्ट है जो कि लेटेस्ट है यहां पर जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है तो नोट करो अरूप कुमार गोस्वामी है क्या है अरूप कुमार गोस्वामी ठीक है एट प्रेजेंट में इकलौती महिला चीफ जस्टिस कौन से वाले आ, हाई कोर्ट के अंदर है तो तेलंगाना हाई कोर्ट है जहां पर आपको इकलौती महिला चीफ जस्टिस मिलेगी जिनका नाम क्या है हिमा कोहली और ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा जा चुका है पहले शिफ्ट में ही पूछा गया था ठीक है ओके हाँ बिल्कुल सही है भाई बहुत अच्छा वेरी नाइस ठीक है चलिए आगे बढ़ लिया जाए देखो क्वेश्चन नंबर टू देखते है, क्या है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी हां जी क कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संपत्ति संगति आयोजित की गई थी वो किसके वो किसने की थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है. तो आंसर क्या होगा भाई जल्दी से बताओ और थोड़ा सा जोश ना लेकर आओ अपने अंदर बहुत ज्यादा ढीले ढीले से लग रहे हो आज तो मुझे क्या बात है बहुत से लग रहे हो आ आ अच्छा ठीक है ऑप्शन नंबर डी चलो कुछ डी आंसर करे तो कुछ बी आंसर करे तो चलिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए देखो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही है वासु मित्र है वासु मित्र के द्वारा अध्यक्षता की जाती है यहाँ पर और चतुर्थ बोध संगति थी जिसमें त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था यह संगति कश्मीर के कुंडलव में कनिष्क के काल में हुई थी किसके काल में कनिष्क के काल में हुई थी और कनिष्क के समय में आयोजित ये चौथी बौद्ध संगति थी जिसमें बौद्ध धर्म ऑफिशियली रूप से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था यहाँ पर आपको कौन कौन सा और महायान दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था अच्छा इसी की अध्यक्षता है जो कि किसके द्वारा के द्वारा की, की जाती किसके द्वारा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है वेरी नाइस आगे बढ़ते हैं गलत हो गया कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था जिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जी किस एक का सबसे पहले निर्माण किया था इसमें से भुवनेश्वर जो लिंगराज मंदिर है या फिर जो शैलकृत हाथी है धोली में या फिर जो महापालीपुरम स्थित शैलकृत एक स्मारक है या फिर उदयगिरी में स्थित वराह की मूर्ति है कौन सी वाला कौन सी वाली सबसे पहले स्थापित किया गया था हम्म, क्या लगता है सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए चलो ऑप्शन नंबर ए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यहां पर जो कि बिल्कुल गलत है चलो बी वालों का सही है सी वाले भी गलत है देखो अब देखो सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं कि कब किसको स्थापित किया गया था ध्यान से समझिएगा जो लिंगराज मंदिर है आपका ये कहां पर मिलता है आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर इसी के पास में एक आ, बिंदु सागर झील भी है जिसको लेकर उड़ीसा सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया था तो वो भी पॉइंट आपको याद रखना है इसके निर्माण ग्यारहवीं शताब्दी में किया जाता है एक से एक ईस्वी के बीच में और धोली <coughs> उड़ीसा में है शालकृत हाथी इसका निर्माण मौर्य शासकों के द्वारा करवाया गया था 250 ईसा पूर्व के आसपास में इसका निर्माण हुआ था तो इसका निर्माण हुआ था सबसे पहले फिर जो महाबलीपुर शैलकृत स्मारक का निर्माण यह सातवी शताब्दी में किया जाता है सातवीं शताब्दी में किया गया था उदयगुरि विदिशा मध्य प्रदेश में एक वरा की प्रतिमा है इसका निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त गुप्त तृतीय के द्वारा करवाया जाता है तो वही सबसे जो पुराना जो आपका हो गया वो कौन सा हो जाएगा धोली उड़ीसा में एक शैलकृत क्या है हाथी है ठीक है इसका निर्माण सबसे पहले करवाया हो गया था चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ जाओ फटाफट से yes. दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा सुल्तान है जिसने भारत में नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था तो आपका आंसर क्या होगा भाई यहां पर अलतुतमिश ने करा था यासुद्दीन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने करवाया था सो विच इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव हां जी देखो भाई बिल्कुल जो बचे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट स्टूडेंट सही करेंगे बहुत अच्छा फिरोज शाह तुगलक इज य करेक्ट आंसर देखो आ, मतलब सबसे ज्यादा नहरें और तालाबों का जो निर्माण करवाया गया था वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था तो इसीलिए नहरों का जनक नहरों के निर्माण का जनक जो है वो किसे कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है और यही सुल्तान था जो जिसने दिल्ली के अंदर नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण भी किया था ठीक है तो ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक को नहर प्रणाली एवं बाघ लगाने का जनक इन्हीं को कहा जाता है और जो चार आपके टैक्सेस आते जो कर आते हैं जिसको क्या कहते हैं खराज होता है ये क्या होता है टैक्स होता है खराज एक जजिया कर होता है जो कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था जो यानी कि जो मुस्लिम गैर मुस्लिम थे यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे उनसे वसूला जाता था खम्स ये भी एक प्रकार का टैक्स होता था युद्ध में जो लूट का माल होता है उसके ऊपर लगता था फिर एक जकात जो मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स होता था ठीक है तो ये जो चार टैक्स होते थे वो इन्हीं के द्वारा इन्हीं इन्होंने इन्हों इसकी इन्हों शुरुआत की थी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखने हैं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किस संत के द्वारा किया गया था ये आपको बताना है एंड गाइस प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते चले 500 है सिर्फ 100 लाइक्स दूर है तो वो बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से करके बिना किसी कंजूसी के लाइक कर दे का पैसा लगता है तुम्हारा काहे इतनी कंजूसी करते हो तुम काहे हाँ इतनी कंजूसी करते हो अच्छा कल आपका एग्जाम में सीएच का निकिता कुमारी चलो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बहुत अच्छे से करके आना एकदम बढ़िया मत ठीक है चलो आंसर आने स्टार्ट है कुछ ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे कुछ ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे चलो ठीक है देखो हाँ जी रामानंद ऑप्शन नंबर सी रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसके द्वारा रामानंद के द्वारा किया जाता 1360 में किया गया था सत्रह सो के बीच में ये पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार करने के लिए हिंदी का प्रयोग किया था भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय इन्हीं को जाता है भक्ति आंदोलन ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई रामानंद आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा ओके नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन पे hmm. किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था जो भारत में पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था वो किसके शासन काल में स्थापित किया था अकबर जहांगीर शाहजहां या फिर औरंगजेब यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आई होप इसका आंसर तो कोई भी गलत नहीं करेगा ऑप्शन नंबर बी चलो मुझे पूरी उम्मीद थी ये सबका सही रहेगा देखो जहांगीर से दे परमिशन लेकर इस चीलिया कंपनी सबसे पहले स्थापित किए जाती है सोलह सो नौ में जो विलियम जो आपके विलियम हॉकिंस थे उनके कुछ जहाज यहां पर भेजे गए थे और ये जो है आपका 1609 में सबसे पहले स्थापित की जाती है उसे जहांगीर के दरबार में जगह मिल गई थी कैसे कंपनी के जहाजों को 1609 में भारत ले जाया भारत तो ले आए थे और उसे जहांगीर के दरबार में जगह मिल गई थी पर वहां व्यापारिक संधि नहीं हुई थी मतलब कि जो ट्रीटी साइन होती है वो वहां पर नहीं हो पाई थी फिर कंपनी ने क्या किया 1615 में सर थॉमस रो को दोबारा से भी तो भेजा था जहांगीर के दरबार में पहले तो देखो आपके हॉकिंस गए थे फिर सर थॉमस रो गए थे जहांगीर से परमिशन लेने के लिए तो यहाँ पर थॉमस रो जब गए थे 600 सौ पौंड सालाना की तनख्वाह जिसमें से आधे कंपनी के शेयरों में निवेश होने थे पर भारत भेजा जाता था एक सेकेंड एक सेकेंड सोलह सो में फिर कंपनी ने सोलह सो थॉमस रो को हाँ हम्म मतलब कंपनी ने यहां पर भेजा था इतनी तनख्वाह पर भारत भेजा था किसको सर थॉमस रो को भेजा था भारत की मतलब ये तनख्वाह और ये सब उनको बताया गया था लेकिन सर थॉमस रो सबसे पहले कहां पर आते हैं वही जहांगीर के दरबार में आते हैं परमिशन लेने के लिए पहले हॉकिंस गए थे तो उसके बाद में कौन गए थे सर थॉमस रो गए थे परमिशन लेने के लिए ओके चलो पहली जो फैक्ट्री डाली थी इन्होंने कहां पर डाली थी सूरत के अंदर डाली थी पहली फैक्ट्री कहां डाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के अंदर इनकी पहली फैक्ट्री डाली जाती है ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर क्या कहता भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है बताओ जो बहुत सारे ऐसे हिस्से होते भारत के जहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है तो इसका रीजन क्या होता है ये आपको बताना है लाल मिट्टी के अंदर क्या चीज पाई जाती है भाई बताए फटाफट से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है फेरिक फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड होता होता है इसके होता है इसके और इसी को ना पीली मिट्टी भी कहा जाता है पीली मिट्टी भी कहा जाता है पीली मृदा आप कह सकते हो यह भी कहा जाता है इसको ठीक है किसको जो आपकी लाल मिट्टी होती है इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं पीली पीली सी प्रतीत होती है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता की वजह से क्योंकि इसके अंदर होता है फेरिक ऑक्साइड कहां पर पाया जाता है जैसे तमिलनाडु वाला तमिलनाडु के अंदर जो आपका एरिया है जो पेरियार पेरियारे सेलम जिले हैं वहां पर ज्यादातर आपको ये देखने को मिलती है दक्कन के पठान में उपलब्ध होती है लाल मिट्टी तो ये कैसी होती है रेतीली होती दोमट मिट्टी जैसी नहीं होती ठीक है ठीके? सो इसकी ये रेतीली टाइप्स होती है इसमें लोहांच अधिक भी होमिस की मात्रा जो होती है वो कम होती है यानी कि इस मिट्टी में आयरन ज्यादा पाया जाता है लाल मिट्टी में आयरन ज्यादा होता है फेरिक ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से ये लाल मिट्टी कही जाती है इसी को पीली मिट्टी भी कह दिया जाता है तो ये भी ध्यान रखना पीली मृदा भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है कौन सा नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है इन द परफेक्शन टेम्परेट अल्पाइन ट्रॉपिक्स शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध के अंदर स्थित है ये आपको बताना है कौन सा वाला नेशनल पार्क मानस नामदफा नेवरा घाटी पुलों की घाटी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है टोटल दो क्वेश्चन गलत हुए हैं है, मैम आज ओनली nice अच्छा अच्छा, दो, दो बार नहीं एक ही बार करना है। ये नए बच्चों के लिए है कि जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो सेशन को लाइक एंड शेयर करते चले जिन्होंने पहले से कर दिया उनको कुछ नहीं करना वो शांति से बैठ नोट्स बना लिया ठीक है ओके सो so, समझते हुए इस क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर नाइन की अगर हम यहां पर बात करते हैं सो so, की घाटी नेशनल पार्क जो पूरी तरह से शीतोष्ण के अंदर स्थित है और ये वाला जो नेशनल पार्क है वो आपको कहां पर मिलता है उत्तराखंड के अंदर मिलता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो कि कहां पर इसकी लोकेशन मिलती है आपको उत्तराखंड के अंदर मिलती है ठीक है हाँ जी और चमोली जिले के अंदर सीधे ये वाला नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को के द्वारा 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था नेशनल पार्क 1982 में यूनेस्को के द्वारा इसे घोषित कर दिया गया था ठीक है तो ये आपको याद रखना है चलो भाई बाकी देखो और गोविंदा नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलता है ठीक है गोविंदा नेशनल पार्क ये भी आपको कहां पर उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क हो गया नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया ये सब आपको कहा मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर ठीक है नेक्स्ट देखो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है हाँ जी जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर्स होती हैं उसका जो बंटवारा किया गया उसको जो डिवाइड किया गया था उसको इसके बाद वो कौन सी योजना पर बेस्ड है मिंटो सुधार उन्नीस सौ नौ एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसके ऊपर बेस्ड है ये आपको बताना देखो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर इसको क्या कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया। सेंटर की पावर अलग होती है और स्टेट की अलग होती है तो ये कौन से वाले एक्ट के तहत गए ये चेंज किया गया था ये आपको बताना कौन से वाले एक्ट के तहत ऐसा किया जाता है हां जी बिल्कुल सही है जो बच्चे आंसर करें ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सेंटर और स्टेट के बीच में जो जो पावर है उसका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो क्या है यस yes, बिल्कुल सही है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है ंग द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताएंगे भी जल्दी से कौन भारत के संविधान का अभी रक्षक है मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा कौन करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं या फिर जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर जो लोकसभा सचिवालय है सेक्रेटोरियट है वो करता है तो क्या लगता है सही सब क्वेश्चन नंबर इलेवन फटाफट से बता दे हाँ जी अच्छा ऑप्शन नंबर डी ठीक है सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी है सोच समझ के आंसर करना सुप्रीम कोर्ट चलो देखो भाई भारत के संविधान का जो कस्टेडियन होता है जो अभिरक्षक होता है वो कौन होता है आपका तो बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उनका आंसर बिल्कुल सही है बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको भी कौन प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट ही प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के अंदर दिए गए हैं ठीक है ठीके? हाँ जी बिल्कुल सही भाई सुप्रीम कोर्ट कौन से वाले आर्टिकल में आता है आर्टिकल 124 में आता है सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 124 में आता है ये ध्यान रखना आर्टिकल 124 में और यही रक्षा करता है किसकी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता प्रतिबिंब होता है बताए मुझे जल्दी से अच्छा ठीक है श्रवण कुमार खुश रहो क्लास में लेट से मत आए करो भाई तुम लोग यार मतलब सुबह सात बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो एवरी डे ना सुबह सात बजे आ जाएगा तुम लोग लेट से आते हो एक काम करते हैं क्लास का टाइम टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मैं आठ बजे कर दू क्लास का टाइम तो तुम लोग आ जाओगे टाइम से फिर हाँ एक काम करते क्लास का टाइमिंग ही आठ बजे रख देते हो फिर सही रहेगा है ना फिर ठीक रहेगा ओके सुनो हाँ जी भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंब होता है उद्देशिका मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी या फिर जो मूल कर्तव्य होते यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उनमें तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का हां जी ऑप्शन नंबर ए मोस्ट स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका के के अंदर निहित होता है है कि जो के जो संविधान निर्माता है, उनका मत वो जो है प्रतिबिंब होता है आपका उद्देशिका के अंदर होता है यानी कि जो आपका प्रियम्बल होता है जो आपका क्या होता है प्रियम्बल होता है उसी के अंदर आपको फंडामेंटल वैल्यूज एंड जो फिलोफ फिलोसॉफीज हैं वो सब आपको यहीं पर मिलती हैं फ्रॉम द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो क्लियर है सबको क्वेश्चन भाई यहाँ तक मैम टाइम छह बजे कर दीजिए लेकिन आठ बजे नहीं तो मैं नहीं ले पाऊंगा अच्छा ठीक है ओके देखते हैं क्या होता है या तो यही रहेगा टाइमिंग आपका या तो यही रहेगा या तो बढ़ेगा घटेगा तो नहीं घटेगा तो नहीं क्योंकि फिर इतने जल्दी तो मैं नहीं आ पाऊंगी यहाँ पर आठ बजे आना है आठ बजे आना आठ बजे आना अरे बाप रे यूट्यूब वाले तो सारे खुश हो रहे हैं आठ बजे या था कीर्ति है यहाँ पर सिर्फ एक बाकी बच्चे क्या कहना चाहेंगे अगर आठ बजे कर दिया जाए तो क्लास का टाइम कितने बच्चे आएंगे क्लास में चलो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अग्निवेदिकाज हैव बीन ऑप्टेंड सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं ये आपको बताना है फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी से हम्म hmm. क्या लगता है भाई सही आंसे? अच्छा मैं आप लोगों को, को एक हिंट दे देती हूँ यहीं से आपको सात बजे ही ठीक है सात बजे ही ठीक है आठ बजे ठीक है चलो उतने ही लोग आठ बजे कह रहे उतने ही सात बजे कुछ लोगों ने तो कमाल नहीं कर दिया कि मैडम नौ बजे कर दो मतलब हद है तुम लोगों के सच में सुनो देखो अगर आपसे पूछा जाए है तो काली बंगन से प्राप्त हुई है और यहीं से जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले थे जुटे हुए खेत हो गए आपके ऊंटों की हड्डियां हो गई ऊटो की हड्डियां हो गई इसके प्रमाण भी यहीं से पाए जाते हैं काली बंगन से कहां पर मिलेगा कालीबंग वाली जगह आपको राजस्थान के अंदर मिलती है तो जुटे हुए खेत के प्रमाण ऊटो की हड्डियां अग्नि वेदिकाएं सारी चीजों के प्रमाण जो है पर पर देखने को पर देखने को को मिलते मिलते हैं यहीं कालीबंग भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रमुख स्थान माना जाता है ओके चलो आगे समझते हैं मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था जो राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था मौर्य काल के दौरान सन्नी धात्री होते थे रज्जुक होते थे सहर्ता होते थे या फिर होते थे सेनापति तो आंसर क्या होगा भाई यहां पर आपका हां जी फटाफट फड़ से बताओ यार ऑप्शन नंबर बी होते होते थे थे गलत है डी सेनापति सेनापति यार कब सेना कब से कब से मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे ये ऑप्शन तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए देखो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सहरता सहरता मतलब चीफ चीफ ऑफिसर इंग्लिश में आप बोल सकते हो लेकिन आपको ये हिंदी में ही मिलेंगे ये जो टर्म्स है ना ये आपको हिंदी के अंदर ही मिलेंगे चलो क्योंकि उस वक्त हिंदी में ही बोला जाता था तो वो हिंदी में ही आपसे पूछा जाएगा जो रेवेन्यू होता है इसकी जो वसूली होती है वो किसके द्वारा की जाती है आप कह सकते हैं इनके द्वारा वसूली की जाती थी जो भी रेवेन्यू होता था ओके जो वसूली करनी होती थी मौर्य काल के अंदर किसमें मौर्य काल के अंदर जैसे कि आपका टैक्स कलेक्शन हो गया या फिर जो भी टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं किसी भी और प्रकार का रेवेन्यू जो वसूला जाता है वो इन्हीं के द्वारा वसूला जाता था मौर्य काल के अंदर बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी ये आपको बताना है वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द बहमनी एम्पायर गुलबर्गा में बरार में अहमदनगर में या फिर हम्पी में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा हां जी बताओ फटाफट से बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी ऑप्शन नंबर सी रात के दो बजे कर दो मैम लाइव हाँ मतलब खुद को तो सोना नहीं है हाँ? मैम भी सोई सोए तुम्हारे चक्कर में पूरी रात भी जगती रही क्लास पढ़ाती रही तुम लोगों को हाँ चलो ये बहुत अच्छा है हाँ ओके ऑप्शन नंबर डी चलो बहुत बहुत गलत है तुम लोगों का आंसर यहाँ पर सुनो गुलबर्गा इज द करेक्ट आंसर इसके जो राजधानी हुआ करती थी गुलबर्गा हुआ करती थी फिर 1425 में क्या होता है चेंज कर दी जाती है जो राजधानी है उसको बीदर कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है बाद में बीदर कर दिया जाता है पहले गुलबर्गा इसकी राजधानी हुआ करती थी बहमनी साम्राज्य की 1425 में चेंज करके बीदर कर दिया इस साम्राज्य की स्थापना कब होती है 1347 में होती है एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की थी किसके द्वारा की थी अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है जो कि कब की तेरह सो सैतालीस में की जाती है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है समझ में आया यहां तक सबको क्वेश्चन चलो आगे बढ़ते हैं। हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तुंग भद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ विच किंगडम डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य है जो कि डेवलप हुआ था जो कि साम्राज्य मतलब जिसका विकास हुआ था कौन सा था वो विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य चालुक्य साम्राज्य या फिर चोल आंसर क्या होगा फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हां जी फटाफट पड़ से आंसर करके बताया ऑप्शन नंबर बी आंसर ए है ठीक है एम डी अकाब का आंसर ए है ओके यस yes, बिल्कुल सही है भाई ए वाले बच्चों का विजयनगर देखो विजयनगर जो साम्राज्य है वैसे इसकी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर के की, की थी जिनका नाम हरिहर और बुक्का नाम था इन दोनों भाइयों के द्वारा मिलकर स्थापना की जाती तुंगभद्रा के तट पर जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना होती है इसका डेवलप होता है इस डेवलपमेंट होता है इसका विकास होता है तो दो भाइयों का नाम जरूर आप लोगों को याद रखना हरिहर और बुक्का दोनों सगे भाई थे और इन दोनों के द्वारा मिलकर ही के ही स्थापना की जाती है किसके विजयनगर की राजा कृष्णदेव राय जो कि एक महान विद्वान संगीतज्ञ और कवि के रूप में जाने जाते थे इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा और संस्कृत में जाम्बती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की थी उन्होंने राजकवि पद्म ने मनु और हरि कथा शरणम जैसी पुस्तकों की रचना भी की थी किसकी चल रही राजा देव राय की बात चल रही जो कि विजयनगर के क्या थे राजा थे कौन थे देव राय थे और इनकी ये रचनाएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती अमुक्त मालित ये सबसे ज्यादा पूछी गई है भाई पेपर में ये जरूर याद रखना ठीक है और एक इनके जो राजकवि थे पद्म

या मतलब क्यों एक दूसरे पे ऐसे कमेंट्स करते रहते हो कि मुझे दिख जाता फिर फालतू में मैं कुछ बोलती फिर तुम लोग चलो ठीक है मैम जी बोलो मैम जी तो बोल ही रही है जब से आई आइये क्लास में हाँ मैम जी करंट अफेयर्स में चार क्वेश्चंस गलत हुए स्टार्टिंग में सिर्फ तीन बहुत अच्छा अर्जुन लाल वेरी नाइस ऐसा तुम तो ऐसे लाल हो जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे बहुत अच्छा ओके और प्रेम प्रकाश जी बताएं आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं स्टार्टिंग चुके में नौ बजे कर दे नहीं नौ बजे तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती क्लास आपके साथ से साढ़े सात हो सकती है आठ हो सकती है नौ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है चलो हाँ हो सकता है साढ़े सात तो कर दिया जाए क्लास को <स्थिक्था> देखते हैं आगे चलकर क्या होता है बट इससे ज्यादा नहीं होगा इससे ज्यादा नहीं होगा साढ़े सात आठ से ज्यादा नहीं जाएगी ठीक है चलो सात बजे ही बहुत सही है बहुत को भूत लिखा है तुमने ठीक है ओके सो so, मिलते हैं, कल साथ मिलते हैं। साथ सो क्या बात है टारगेट ऑलमोस्ट आप लोगों ने अचीव कर दिया सिर्फ दस बारह लाइक्स बचे तो फटाफट से करके एक बार सेशन से को लाइक कर दो सारे बच्चे जिन्होंने नहीं किया है यस सिर्फ yes, फिफ्टीन लाइक्स दूर है हम लोग और आज का टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा सो so, जल्दी से, से सेशन को लाइक एंड शेयर और जो बच्चे पहली बार आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे ठीक है चलो सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय मिलते हैं कल सुबह सात बजे ठीक है